सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बीजीपी टेक जोन को और इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप हमारे टेक्निकल वीडियोस सबसे पहले देख पाएं। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बीजीपी टेक जोन। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि आप अपना जो है वो खोया फ़ोन को किस प्रकार से अपने जीमेल अकाउंट के जरिए किस प्रकार से ट्रैक कर सकते हैं, या फिर आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस को लॉक करना भूल गए तो आप उस एंड्रॉयड फ़ोन को लॉक कर सकते हैं और जिसे भी वो फ़ोन मिला है उसके लिए जो है एक मैसेज आप जो है वो छोड़ सकते हैं कि मेरा फ़ोन जो है ऐसे ऐसे गुम हो गया है, आप मुझे वापस कर दीजिए। या फिर अगर आप ने सोच लिया कि आपको अब ये फ़ोन मिलने वाला नहीं है तो आप जो है वो घर में बैठे बैठे ही आप अपना जो है एंड्रॉयड का जितना भी डाटा है वो सब जो है आप इरेज कर सकते हैं, वो भी बहुत ही सिंपल और आसान से ट्रिक में। तो चलिए देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए और भी मन लगा कर नए नए वीडियोस बना सकें। तो चलिए देखते हैं हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा दोस्तों, जहाँ पर से कि आपको जो है उस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सबसे पहले अपना जीमेल अकाउंट से उसमें लॉगिन होना पड़ेगा जिस जीमेल अकाउंट से आपने अपने फ़ोन में लॉगिन किया हुआ है। सो उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, सबसे पहले जो है उस जैसे ही आप कर लेंगे, लेकिन उससे पहले जो है आपको मैं कुछ बता दूँ कि अगर आपने अभी तक अपने एंड्रॉयड फ़ोन का लोकेशन ऑन नहीं किया है तो आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन का लोकेशन हमेशा ऑन रखें दोस्तों, तभी ये जो है काम करेगा। दूसरी बात जो आती है वो ये आती है दोस्तों कि आप सभी के एंड्रॉयड डिवाइस में जो है वो एक फंक्शन दिया जाता है जिसका नाम है एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर। आप उसे अपने एंड्रॉयड फ़ोन के लिए जो है वो इस्तेमाल कर लीजिए और उसे जो है परमिशन दे दीजिए सारे तरह के कि वो आपके लोकेशन को बिल्कुल अच्छे तरीके से ट्रैक कर सके ताकि आप ये सब कर पाएँ। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर के आप क्लिक करने के बाद आपको मैं बताता हूँ अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर कि आप उसे किस प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही आप इसमें लॉगिन करेंगे उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपको कुछ इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखेगा। जब आपने अपने एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर में लॉगिन किया हुआ होगा या फिर आपने उसे पूरी तरह से परमिशन दी होगी। अगर आपको नहीं पता कि आपको किस प्रकार से अपने एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर को जो है वो परमिशन देना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उसके लिए भी आपको एक वीडियो बना दूंगा। उसके बाद जो है दोस्तों जैसे ही आप इसे इस प्रकार से खोलेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कुछ इंटरफेस इस प्रकार से जो है वो दिखेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि मेरा जो है इस समय का लोकेशन जहाँ भी मैं हूँ भागलपुर में उस जगह पर आपको यहाँ पर दिखा रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों कि सिंपली यहाँ पर मेरा फ़ोन का नाम दिखा रहा है Redmi 4A। उसके बाद आप देख सकते हैं लास्ट लोकेटेड एट 11:01 यानी कि 11:01 पर मैंने इसे लोकेट किया है और आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर सिंपली मुझे दिखा रहा है। उसके बाद दोस्तों बात आती है कि हो सकता है कि आप अपने फ़ोन को घर में ही रख कर कहीं भूल गए हो तो और आपका फ़ोन साइलेंट हो तो आप जो है रिंग कर रहे हो आपको पता नहीं चल पा रहा हो कि आपका फ़ोन जो है वो घर में ही होगा। आप जो है यहाँ पर रिंग वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर 5 मिनट तक रिंग का ऑप्शन मिल जाता है, वो भी लाउड वॉल्यूम के साथ। तो आप जो है आप साइलेंट रहते हुए फ़ोन को जो है वो लाउड वॉल्यूम में रिंग कराकर 5 मिनट के अंदर आप अपने घर में फ़ोन को खोज भी सकते हैं अगर होगा। और दूसरी जो बात ये आती है दोस्तों कि आप में से बहुत सारे लोग जो है वो अपने फ़ोन को लॉक ही नहीं करते हैं और जो है वो जो फ़ोन गुम होने के बाद परेशान हो जाते हैं कि अब तो मेरा सारा डाटा कोई देख लेगा। तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर से लॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपको जो है वो लॉक स्क्रीन यहाँ पर किस प्रकार से दिखा रहा है कि आप अपना यहाँ पर न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड कर सकते हैं। रिकवरी मैसेज भी दे सकते हैं कि आपको कि मेरा फ़ोन ऐसे ऐसे गुम हो गया है, आप मुझे यहाँ पर पहुँचा सकते हैं तो पहुँचा दीजिए प्लीज़। कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पर फ़ोन नंबर ऑप्शनल में दे सकते हैं। उसके बाद लॉक पर सिंपली आप वहां पर लॉक पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपका फ़ोन जो है वो सिंपली लॉक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलता है यहां पर इरेज़ का। जैसे ही आपको लगे कि आपका फ़ोन अब आप
से काफ़ी दूर जा चुका है, आपको ये फ़ोन नहीं मिलने वाला है, तो आप यहाँ पर सिंपली जो है आप अपना सारा डाटा इरेज कर लीजिए, क्योंकि अगर आप पुलिस के पास जाएंगे तो आपको जो है वहाँ पर सिंपली पुलिस आपको सिर्फ जो है वो बताते रहेगी कि हम आपके फ़ोन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और जो है आपका फ़ोन का मिलना बहुत मुश्किल है। सो आप अपने से ही ये सब का काम कर लीजिए ताकि आपका सारा डाटा जो है वो डिलीट हो जाए, और आप जो जो है बिल्कुल सेफ महसूस करें, ताकि आप अगले बार जो है आप अपना आप तो अपना सिम जो है दोस्तों किसी भी जो भी कंपनी का आपका सिम है उसके कस्टमर केयर से बात करके आप जो है उसे डीएक्टिवेट करा सकते हैं। तो उसी तरह से आप अपना फ़ोन को भी इसी प्रकार से जो है डीएक्टिवेट कर सकते हैं आप अपने जीमेल अकाउंट के ज़रिए जो है, और आप बहुत ही सिंपली आसानी से ट्रैक कर सकते हैं कि क्या आपका फ़ोन इस समय कहाँ है, और आप खुद जा करके भी जो है उसे ढूंढ सकते हैं। सो यही थे दोस्तों कुछ ऑप्शन, और यहाँ पर से आप सिंपली इरेज पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो सारा डाटा जो है वो इरेज हो जाएगा। सो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी आगे मन लगा कर नए नए वीडियोस बना सकें। अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी आगे मन लगा कर नए नए वीडियोस बना सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।